हेलो फ्रेंड, पूर्णा ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, खाने के साथ अगर अचार रखा हो तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। साथ ही साथ जाड़ों में इतनी तरीके की सब्जियां आती हैं कि उनका अचार बनाने में और खाने में दोनों में ही बहुत मज़ा आता है। आज मैं आपको मूली और हरी मिर्च का ऐसा अचार बताऊंगी जिसे बनाना इतना आसान है, साथ ही साथ आप उसे एक साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। उसमें ना ही आपको ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। बस घर के ही सादा इंग्रेडिएंट से आप ये अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। अचार बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो मूली ली है। ये एकदम खेत से टूटी हुई मूली है, इसलिए इसमें इतनी मिट्टी लगी हुई है। इसे हम अच्छे से हाथ से रगड़कर साफ कर लेंगे और सारी मिट्टी साफ कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी मूली को धो लिया है, फिर भी इसमें से अच्छे से मिट्टी साफ नहीं हुई है। अब इसके ऊपर का छिकल हम अच्छे से पील कर देंगे और इसे एक बार फिर से वॉश कर लेंगे। सारे मूली को अच्छे से पील कर लेंगे। फ्रेंड्स, अचार बनाने के लिए हमें थोड़ी मोटी मूली की ही ज़रूरत लेनी चाहिए और साथ ही साथ मूली कच्ची होनी चाहिए। पकी हुई मूली का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि पकी हुई मूली थोड़ी मीठी होती है, इसलिए इससे अचार का स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाता है। ये देखिए, मैंने अपनी सारी मूली को एक एक करके अच्छे से पील कर लेंगे और सारी मूली को मैंने पील करके अच्छे से छील लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे लंबे टुकड़े कर लेंगे। हमें ज़्यादा मोटे टुकड़े नहीं करने हैं, बस लंबे और पतले टुकड़े करने हैं। अगर आप चाहें तो इसके गोल टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन मूली का अचार लंबे टुकड़ों में ही बनाया जाता है, इसलिए मैंने इसके लंबे टुकड़े किए हैं। एक मूली के हम 2-3 पीस कर लेंगे और फिर इसे लंबाई में बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। सारी मूली ऐसे ही काट कर रख लेंगे। और ये देखिए, मैंने अपनी सारी मूली को एकदम लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काट लिया। अब इसे एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। और अब इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दूंगी। फ्रेंड्स, नमक डालने से मूली के अंदर जितना भी पानी होगा वो सब निकल जाएगा और इस नमक को हम अच्छे से मूली में मिला देंगे। सारी मूली को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक कर हम 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें जितना पानी हो वो निकल आए। तब तक हमने ये 100 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं, इसके ऊपर का डंठल निकाल कर हम इसे 2 पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च को गोल भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने लंबे पीसेस में काटा है। सारी हरी मिर्चों को ऐसे ही काट कर रख लेंगे। ये देखिए, मैंने अपनी सारी हरी मिर्चों को काट लिया है। अब गैस पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया, 1 बड़ा चम्मच काली सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच राई और ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है। सारे खड़े मसालों को लो फ्लेम पर हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें से जितना मॉइस्चर हो वो निकल जाए। और ये देखिए, मेरे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे मसालों को हम तुरंत मिक्सी के जार में ले लेंगे और हमें इन मसालों को बिल्कुल दरदरा पीस लेना है। ये देखिए, मैंने अपने सारे मसालों को बिल्कुल दरदरा पीस लिया है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इधर देखिए, 2 घंटे बाद मूली ने भी अच्छे से पानी छोड़ दिया है। इसमें कितना सारा पानी निकला हुआ है। हम अपनी मूली को वह 1 प्लेट में निकाल लेंगे। और सारा पानी निकाल कर फेंक देंगे। ये देखिए कितना पानी निकला हुआ है।
अब इस मूली को हम एक से डेढ़ घंटे के लिए धूप में रख देंगे। तब तक मैंने गैस पर एक पैन लिया है, उसमें एक कटोरी मैंने ये ऑयल लिया है। क्वांटिटी में ये 100 ग्राम सरसों का तेल होगा। फ्रेंड, अचार सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सरसों के तेल में बनाया है, लेकिन आप अगर इसे और किसी ऑयल में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पूरी तरह ठंडा कर लेंगे। इधर देखिए, मूली भी अच्छे से सूख गई है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब इसमें हरी मिर्चें मिला देंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्च और एक चम्मच नमक डाल दिया है। फ्रेंड्स, नमक ध्यान से डालिएगा, हमने पहले भी नमक का यूज़ किया है। और ये मैंने 2.5 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर लिया है, आधा चम्मच हींग, हींग डाइजेशन के लिए तो अच्छी होती है, साथ ही साथ मूली के अचार में इसका टेस्ट बहुत अधिक अच्छा लगता है। आधा चम्मच मैंने कलौंजी डाल दी है और सारे सूखे मसालों को अच्छे से मूली के और हरी मिर्च में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें मैंने जो दरदरे पिसे हुए मसाले हैं उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें इस अचार में अपना ठंडा किया हुआ सरसों का तेल डाल देंगे। फ्रेंड्स, तेल बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। और तेल को भी अच्छे से अचार में मिक्स कर देंगे। मूली के अचार में हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप एक कटोरी ऑयल में ही आपका अच्छे से अचार बन जाएगा। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मेरा मूली और हरी मिर्च का एकदम इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो गया है। इसमें ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे 1 साल तक ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें ना ही आपको सिरका डालने की ज़रूरत है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत है। ये अचार ऐसे ही 1 साल तक चल जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको इसे धूप भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूली का अचार थोड़ा क्रंची ही अच्छा लगता है। आप इसे तुरंत बनाकर तुरंत भी खाना शुरू कर सकते हैं, वरना आप इसे 1-2 दिन तक धूप दिखा दीजिए और फिर खाना शुरू कीजिए, आपके अचार में मज़ा आ जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।